नमस्कार दोस्तों, DTH फैन क्लब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे थंबनेल में आपने देखा होगा कि DD फ्रीडिश बंद होने वाला है, ऐसे आपने जो थंबनेल तो मैंने भी मेरे यूट्यूब चैनल पे दिखाया है, लेकिन ये फेक न्यूज़ नहीं है। जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल रियल है, बिल्कुल 100% खरी बात है। तो जितने भी आपने YouTube चैनल पे ये थंबनेल देखे हैं कि DD फ्रीडिश बंद होने वाला है, DD फ्रीडिश पेड़ होने वाला है, वगैरह 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 बहुत सारे बात, लेकिन इनमें सच्चाई आपको अगर बताना चाहूँ तो मैं यही बताना चाहूँगा कि DD फ्रीडिश बंद नहीं हो सकती है। तो उसका कारण ये है कि ये सरकार की तरफ से एक मनोरंजन का प्लेटफॉर्म बनाया था। जैसे कि पुराने ज़माने में बड़े वाले डिश एंटीना बोल रहे थे, अभी सरकार ने जो बनाई थी डिश DD फ्री डिश उसका नाम रखा है, तो वो सरकार ने बहुत ही एक पिछड़े वर्ग में, यानी कि बहुत ही छोटे से छोटे इलाके तक पहुँचे ये मनोरंजन, इसी वजह से ये निकाला था बिल्कुल फ्री, बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस साधन को अगर पेड वर्जन अगर बनाया जाए तो वो फ़ायदा होगा, लेकिन अगर इसको फ्री दिया जा रहा है तो ये सिर्फ सरकारी डिश या सरकारी सैटेलाइट है। ये सरकार कभी नहीं चाहेगी कि इसको पेड कर दिया जाए, अगर पेड कर देते हैं तो वो फ़ायदा ही है, लेकिन ये सर्वसाधारण या आम आदमी, जिसको हम आम आदमी बोलते हैं, वहाँ तक ये सेवा पहुँचती है DD फ्री डिश की। तो ये सरकार कैसे पेड कर सकती है, ये एकदम गरीब से गरीब आदमी तक ये सेवा पहुँच सकती है, ले सकते हैं लोग बहुत ही कम दाम में, इसका कोई भुगतान देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये क्यों बंद करेगी सरकार, क्योंकि ये पेड़ वर्जन में कैसे जाएगी? तो ये सरकारी डिश होने के कारण ये पेड़ नहीं हो सकती। तो ये जानकारी मेरे ख्याल से आपको पुख्ता लगती है या लग गई होगी, ठीक है। तो जो भी डिश टीवी, टाटा स्काई, वीडियोकॉन, सन डायरेक्ट, इंडिपेंडेंट टीवी, ये इनके जो मालिक है वो प्राइवेट है, इनका कोई सरकार से या सरकार का इन पे कोई ऐसा दबाव नहीं है, ये खुद के मालिक है। इनका सिर्फ सरकार का नियंत्रण इतना ही होता है कि ये मासिक भुगतान केवल 130 रुपये में दे, यही सरकार ने एक नियम निकाला है, ट्राई ने ये नियम लागू किया है सभी डिश पे। तो अभी उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि ये 130 रुपये में ढेर सारे चैनल दिखाए जाए, लेकिन हो क्या रहा है, उनकी मनमानी चल रही है, जैसे उनको लगता है वैसे पैकेज बना रहे हैं, वैसे डाल रहे हैं, वैसे चला रहे हैं। उनके केबल ऑपरेटर तो बहुत से ऐसे हैं, 4-5 तो अपने इंडिया में ही है, बहुत सी ऐसी मनमानी चल रही है। तो ट्राई ने यही निर्देश दिया है कि आप 130 रुपये मासिक भुगतान लें और उनमें ये सारे चैनल दिखाया जाए। 200 से 300 चैनल के ऊपर आपको ये चैनल का मज़ा लिया दिया जाए। और रही DD फ्री डिश की बात, वो तो मैंने बताई है, सरकारी डिश है वो, उसको कोई भी पेड़ नहीं कर सकता या नहीं हो सकती है, ये आम आदमी तक पहुंचने का साधन है मनोरंजन का, तो इसको कभी भी पेड नहीं किया जा सकता। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी बातचीत आपसे करनी थी, जानकारी आपको देनी थी। ये जो YouTube चैनल पे जो चल रहा है कि DD फ्री डिश बन, बहुत दिनों से मैं देख रहा था, तो मैंने सोचा कि ये एक इस टॉपिक पे भी मैं एक वीडियो आपको दे दूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि भटके हुए लोगों को सही रास्ते पे लाना, यही एक इस चैनल का मकसद है, सही न्यूज़ देना, यही मकसद है इस चैनल का। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।